मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आपसी मतभेद और मनमुटाव के चलते अब ये जोड़ी टूट गई है। बावजूद इसके दर्शकों के बीच इस जोड़ी का जलवा अभी कायम है। तकरीबन आधी सदी के भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में पर्दे पर रोमांटिक जोड़ियां तो कई बनी, लेकिन ऐसी जोड़ियां कम ही हैं जिन्हें दर्शकों ने हाथों हाथ लेकर सफलता के शिखर पर बिठाया है। ऐसी ही चुनिंदा जोड़ियों में शामिल है पावर स्टार पवन सिंह और ग्लैमर गर्ल अक्षरा सिंह की रोमांटिक जोड़ी। यह दर्शकों के प्यार का ही परिणाम है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी की गिनती भोजपुरी सिनेमा की चुनिंदा टॉप जोड़ियों में होती है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों बिहार से हैं और वो भी पड़ोसी जिले के। पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं, वहीं अक्षरा पटना की हैं। दोनों ने अपने करियर का आगाज अलग अलग समय पर अलग अलग फिल्मों से किया था। पवन सिंह ने साल 2007 में रंगली चुनरिया तोहरे नाम से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, जबकि अक्षरा सिंह ने 2010 में आई सत्यमेव जयते के साथ भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था। अलगाव की खबरों से पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी का किसी फिल्म में होना हिट होने की गारंटी जैसा था। इस गारंटी पर मुहर पहली ही फिल्म से लगनी शुरू हो गई थी। दोनों की हॉट रोमांटिक केमिस्ट्री पर्दे पर पहली बार 2014 में रिलीज फिल्म ठोक देव में नजर आई थी। फिल्म की सफलता ने दोनों की जोड़ी जमा दी। फिल्म ठोक देव की सफलता के बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह की सुपरहिट जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम किया और एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। सत्या, तबादला, धड़कन, सैया सुपरस्टार, पवन राजा, लुटेरे, त्रिदेव, बजरंग और जहरीला जैसी कई सुपरहिट फिल्में इस जोड़ी के नाम दर्ज हैं। पवन सिंह और अक्षरा सिंह में मतभेद की खबरों के बीच इनकी कुछ फिल्में अभी आने वाली भी हैं। इस जोड़ी की अपकमिंग फिल्मों में मैंने उनको सजन चुन लिया। माँ तुझे सलाम जैसी कुछ फिल्में हैं। बहरहाल इस जोड़ी के चाहने वालों की चाहत है कि ये फिर से एक हो जाएं और अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से पर्दे पर धमाका करते रहें। लेकिन ऐसा होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। I'm a hoop on a blend and a valley. Sort of what the beat.